दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि समाप्ति की ओर है और आज हम आपको नवरात्रि के खत्म होने से पहले का एक ऐसा काम बता रहे हैं जिसे आप खासकर नवरात्रि की अष्टमी अथवा नवमी के दिन करें तो माँ दुर्गा की कृपा से आपका भाग्य बदल जाएगा। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि जो भी नवरात्रि की खासकर अष्टमी या नवमी को यह उपाय करता है, माता उसके भाग्य तुरंत संवार देती है। जितने भी उसके दुख और पीड़ा है वह तुरंत दूर हो जाती है और वह शीघ्र अति शीघ्र धनवान हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि अब अपने अंतिम छोर पर है, इससे पहले ही अगर आप एक जरूरी कार्य कर लेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा साक्षात आपके ऊपर होगी। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको नवरात्रों के 9 दिनों का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश आप व्रत ना कर पाए हो या पूजा पाठ ना कर पाए हो तो यह उपाय आप अगर कर ले तो माता की कृपा साक्षात आप पर होगी। दोस्तों, भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा उपाय है जिससे माँ दुर्गा काफी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय सिंदूर से जुड़ा है। जी हाँ, माँ दुर्गा की उपासना में सिंदूर का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा को नियमित सिंदूर चढ़ाने से जीवन में सभी परेशानियों का नाश होता है, साथ ही कलेश भी दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे इस उपाय को करना है। आपको सिर्फ अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन माँ दुर्गा के मंदिर में थोड़ा सा सिंदूर माँ के चरणों में रखना है। ध्यान रहे, आप साफ सुथरा सिंदूर बाजार से लेकर आए और इसे माँ के चरणों में रख दें और माता की उपासना इत्यादि करने के बाद, जब आप यदि अगर अष्टमी के दिन कन्या बैठा रहे हो तो उस दिन आपको यह उपाय करना है, या नवमी के दिन यदि आप कन्या बैठाने वाले हैं तो उस दिन आपको यह करना है। बस आपको छोटा सा कार्य करना है कि जो सिंदूर आपने माँ के चरणों में रखा था पूजा पाठ करने के समय, उस सिंदूर को आप एक कागज में पुड़िया बनाकर रख ले और इसके बाद जो आप 9 कन्याएं अपने घर में बुला रही हैं उन कन्याओं को उनके दाहिने हाथ से इस सिंदूर को छुआना है। ध्यान रहे, सभी कन्याएं इस सिंदूर को छुएं। बस इतना सा कार्य आपको कर देना है और दोस्तों, इसको आप वापस अपने घर के मंदिर में रख दें या जहां भी शुभ स्थान है वहां पर रख दें। और किसी भी विशेष दिनों में जैसे कि करवा चौथ का व्रत, दिवाली, दशहरा इत्यादि, उन दिनों में उस सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर जो आप रोज के अपने यूज में लेकर आते हैं उस सिंदूर में मिला दें, यानी जो जिससे आप मांग भरते हैं उस सिंदूर में, उस माता के सिंदूर को थोड़ा सा आप मिला दें और उसे लगा लें। दोस्तों, इस उपाय से आपके सौभाग्य में वृद्धि तो होती है, साथ ही इससे आपके पति के सौभाग्य में दोगुनी वृद्धि होती है, यानी उन्हें नौकरी, प्रमोशन इत्यादि जैसे कार्यों में सफलता मिलती है, उनकी शीघ्र वेतन में वृद्धि होती है और धन से संबंधित हर मामलों में उन्हें लाभ होता है, व्यापार इत्यादि इन कार्यों में उन्हें लाभ होता है। क्योंकि दोस्तों, माँ दुर्गा को चढ़ाया गया सिंदूर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। इस सिंदूर को मांग में लगाने से या घर में रखने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। सिंदूर में वैसे तो काफी चमत्कारी शक्तियां होती हैं, इसी वजह से खासकर तांत्रिक क्रियाओं में सिंदूर को अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप यह उपाय करते हैं तो इससे शीघ्र अति शीघ्र आपको अपने आसपास अपने परिवार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर फैली होगी और सक्सेस यानी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही एक और उपाय है सिंदूर से जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि खत्म होने से पहले घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाने से डर और हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। और यदि कोई बीमारी आपको बार बार परेशान कर रही थी, यदि अगर आपको कोई परेशानी बीमार कर रही है जो बहुत पहले से लगी है और काफ़ी इलाज के बाद भी बहुत नहीं जा रही, तो इस कार्य को करने से उस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही ऊपरी बाधाएं, काला जादू, बुरी नज़र इत्यादि से भी इस उपाय को करने से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इसमें जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।